చెప్పుని కిదో మాట అలా కేస్తు నాపిన పరిజన శాల పవార డోలియా హే యా మాష్కిరీ माई जो चोलो पाया बाकी तुम भी परस्तार हैं माँ लोली ताने कलामन जी लाल सीजन को ने सीजन स्टार्ट थी नहीं तो पिसाली ना देना के रिजेक्ट बाकी तो पादरों नहीं रिजेक्ट ये बना गरे नांगे शिकार क्यों जमा बूट उठा रहा है रगुन में एक डी सियासत बसे हुई सेम की बात में मुझे तो लगा भी कमजोर थी और मार की वजह की याद रखो कोरोना जी वबा खतरनाक आ है ए जानलेवा थी सके थी कोरोना जी वबा घट थी हुई पर बेहतियाती सबब वरी बीहर तेजी सा पखड़ जी रही आ है एहतियात एहतियात ए एहतियाती वाहिद इलाज आ है एसओपीस दे अमल करे पांजी ए पांजन जी हयाती बचायो नाजरीन 12 वगे बुलेटिन में अवे भलीकार चवे बुलेटिन की बाकायदा शुरुआत कदे इन खबर सा सुप्रीम कोर्ट है सीनेट चूंडू ओपन बेल जरिए नथियों कराए सकजन चूंडू कानून बदर आईन तहत थन्दू सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस से महफूज कल राय डींदे है सीनेट चूंडू कानून बदर आईन तहत थन्दू वोट के सदाई गुझो नथो रही सके अदालत पाजी राय में इलेक्शन कमीशन सीनेट चूंडू शफाफ बनाने के लिए समूरा कदम खड़ी सके थी यो तय कर इलेक्शन कमीशन जो कम है तो वोट की सीक्रेसी केतरी हद तक होजन घुर्जे इलेक्शन कमीशन सीनेट चूंडन में करप्शन के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर सके थी उन समूरा इदारा इलेक्शन कमीशन से सहकार जा पाबंद हैं बेंच में शामिल जज जस्टिस यहया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की राय से इख्तिलाफी नोट लिखो जस्टिस यहया अफरीदी तो सीनेट चूंडन बाबत सदारती रेफरेंस में पुछल सवाल कानूनी ना तेज कर रेफरेंस बगैर बुधनी कर वापस उमाने वे बे पासे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद है सुप्रीम कोर्ट की राय का सदारती आर्डिनेंस खत्म थी चुको है अदालत जो फैसलो तारीखी है उनकी आजियां करूं था खानगी टीवी से गालहिंदे अटॉर्नी जनरल है इलेक्शन कमीशन के हाने 3 मार्च से सीनेट चूंडन में अदालती राय से अमल करण घुर्जे उन्हें सीनेट चूंडन बाबत अदालत वाजे तौर से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए अजा बेल्ट छपाया ना वह जन चवण कर सुप्रीम कोर्ट की राय का तरमीमी आर्डिनेंस 2021 ईस्वी हाँ खत्म थी चुको है आर्डिनेंस अदालती राय से मशरूत हुए जिक्र कदे इन खबर जो तो वजीर आजम इमरान खान पंजाब के बड़े वजीर उस्मान बुजदार से मुलाकात कर असेंबली मेंबरन जहा खर्चा खत्म करने की हिदायत कई है मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान सीनेट चूंडन समेत सूबे के सियासी सूरत हाल से ख्याल की डे वट कई जरिए मूजिब सीनेट चूंडन में पार्टी उम्मीदवार के कामयाबी डारण के लिए वजीर आजम पंजाब के बड़े वजीर उस्मान बुजदार के सूबाई असेंबली के मेंबरन जहा खर्चा खत्म करने की पिण हिदायत कई है याद रहे सीनेट के 37 सीटों से 3 मार्च से चूंडू थी रही हैं जैसे तो पंजाब में 11 सीनेटर बिना मुकाबला चूंडी चुका है मुस्लिम लीग नून के अगवाणी अगुणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी है तरमीम करण ही कानून ठाने हक रुगो पार्लियामेंट कई है इलेक्शन कमीशन 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सदन चवण हो मौकुफ इलेक्शन कमीशन आडो पेश कर छो है और समझन था चूंडों के तरीकेकार में कें भी तब्दील जो को भी इम्कान ना है अगुणे वजीर आजम है सदर पाकिस्तान के माजी या मौजूदा रेफरेंस पढ़ घुर्जे खेस उम्मीद है तो मुहतात तरीके से रेफरेंस के अगते उमानी उन्होंने है तरमीम करण जो हक रुगो पार्लियामेंट के है और उन्होंने मौकुफ इलेक्शन कमीशन आडो पेश कर छो है जैसे चीफ इलेक्शन कमीशनर सलाह मशवरो कर फैसलो बुधायण जो है बे तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सीनेट चूंडन का अगवारा आखिरी बी इंतहाई अहम है खेस उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी सीनेट चूंडन में कामयाबी मानी लाहौर में मुख्तलिफ पार्टी मेंबरन से मुलाकात कदे संद चवण तो सियासतदान बंदूक से न पर जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट में जंग विढ़ा है बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी मेंबरन से गालाइंदे सीनेट चूंडन संदन के लिए अहम है पर चूंडन का अगवारा आखिरी बी तमाम घणो अहम है
समूरन मेंबरन जा पांजा तालुकात ई वास्ता आहन उन जे लाइ पांजा समूरा वास्ता ई तालुकात इस्तेमाल करे सेनेट चूंडन में यूसुफ रज़ा गिलानी के हर हाल में कामयाब कराइणो आहे। सिंध चवण खुयो त नंढी चूंड में बि नतीजा बहितर आया ऐं खेसि उमेद आहे त सेनेट चूंडनि में बि यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब थींदो। बिलावल भुटो सरदारी पार्टी अॻवान यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नैयर बुखारी, श्री रहमान, शाज़िया मरी ऐं मुस्तफ़ा खोखर समेत ॿियनि अॻवाननि सां पिणु मुलाक़ात करे सेनेट चूंडनि बाबति सलाह मशवरा कया। नवाज़ लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त हिकु भेरो ॿीहर साबित थी वियो त वोट चोरनि जी चालबाज़नि बदनीति ते ॿधल ऐं साज़िशी आर्डिनंस खां मथे आई न आहे। सुप्रीम कोर्ट जी राय ते रद अमल ॾींदे मरियम नवाज़ चयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो अचण खां पोइ हुकूमती वज़ीर टेक्नोलॉजी जी वावेला करे रहिया आहिनि। हुन चयो आहे त यादि रखो त हाणे RTS या डस्का धुंध वारी टेक्नोलॉजी न हलंदी। हुकमरान वोट जी ताक़त खां छोट ॾिनी रहिया आहिनि। सेनेट चूंडनि ते सुप्रीम कोर्ट जी राय ईंदे ई हुकूमती वज़ीर इलेक्शन कमीशन पहुची विया। वफ़द जी सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं ॿियनि मेंबरनि सां मुलाक़ात करे हुकूमती वफ़द बैलेट पेपरनि खे सुञाणप चोखो बणाइण जे लाइ क़दम खणण जी अपील कई। मुलाक़ात खां पोइ वज़ीर आज़म जे सलाहकार बाबर अहवाल चयो आहे त इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में अहिड़ा क़दम खणे जो सेनेट चूंडनि दौरान करप्शन न थिए। हुन चयो आहे त शफ़ाफ़ चूंडू यकीनी बणाइण इलेक्शन कमीशन जी ज़िमेवारी आहे। सुप्रीम कोर्ट वोट ॻुझो न रहण वारी PTI जे मौक़ुफ़ जी हिमायत कई आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त वोट इलेक्शन कमीशन जे लाइ न पर सियासी पार्टियुनि जे लाइ ॻुझो थी सघे थो। हुन चयो आहे त अपोज़िशन सेनेट चूंडनि खे तकरारी बणाइण जी कोशिश करे रही आहे त जीअं वोट ख़रीद करे पंहिंजा उमेदवार कामयाब कराइनि। ज़िक्र कंदासीं इन ख़बर जो त पीपल्स पार्टी सेनेट चूंडनि बाबति सुप्रीम कोर्ट जी राय खे सुठो सौण करार ॾेई छॾियो आहे। सेनेटर श्री रहमान चयो आहे त हुकूमत आईन ऐं पार्लियामेंट खे बे तौकीर करण जे कोशिश में नाकाम थी वई आहे। हुकूमती टीम मुल्क में आईनी बुहरान पैदा करण जी कोशिश कई पर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत खे पार्लियामेंट जो रस्तो ॾेखारियो आहे। सेनेटर श्री रहमान जो चवणु हुयो त हुकूमत मुल्क खे एडाक बुनियादनि ते हलाइण बंदि करे मुल्क आर्डिनंस ज़रिए न पर पार्लियामेंट ज़रिए हलंदो आहे। हुन जो चवणु आहे त हुकूमत में सियासी मामला हल करण जी सलाहियत ई न आहे। अॻूणे अटॉर्नी जनरल ऐं PP अॻवान लतीफ़ खोसा चयो आहे सुप्रीम कोर्ट जी राय अचण खां पोइ सेनेट चूंडियूं ओपन बेल ज़रिए कराइण बाबति सदारती रेफरेंस ख़तम थी वियो आहे। PP अॻवान लतीफ़ खोसा जो चवणु आहे त पंजाब में बिना मुक़ाबले सेनेटर जी चूंडजण में अॻूणे सदर आसिफ अली सरदारी जो अहम किरदारु आहे। हुन चयो आहे सेनेट चूंडनि में MQM, काफ लीग ऐं सिराइकी बेल्ट जा मेंबर यूसुफ रज़ा गिलानी खे वोट ॾींदा। लतीफ़ खोसा जो वधीक चवणु खयो त जिन खे मुस्तक़बिल में सियासत करणी आहे उहे पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग सां गॾिजी वेंदा। PP अॻवान लतीफ़ खोसा चयो आहे त पंजाब में बिना मुक़ाबले सेनेटरनि जी चूंडजण में आसिफ़ अली ज़रदारी जो अहम किरदारु आहे। परवेज़ इलाही आसिफ़ ज़रदारी सां राब्ते खां पोइ पंजाब में किरदारु अदा कयो। हुन चयो आहे सेनेट चूंडनि में मुतहिदा पाकिस्तान, काफ़ लीग ऐं सिराइकी बेल्ट जा मेंबर यूसुफ रज़ा गिलानी खे वोट ॾींदा। जिन खे मुस्तक़बिल में सियासत करणी आहे उहे पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग सां गंढिजी वेंदा। कराची जे कोरंगी वारे इलाइक़े में रोड हादसे जे नतीजे में पीरसन फौत थी वियो आहे। चमड़ा चोरंगी भरिसां रोड हादसे में 60 वरनि जो पीरसन शाहिद महमूद पुटु जमील फौत थी वियो। फौती जो मर्द एम्बुलेंस ज़रिए जना इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ज़िक्र कंदासीं घोटकी मां जिते SSP घोटकी रिश्वत वठण जे इल्ज़ाम में 3 पुलिस अहलकारनि खे मुअतल करे छॾियो आहे। SSP घोटकी उमर तुफ़ैल ॾहरकी थाणे जे 3 अहलकारनि इक़बाल चांडियो, मुर्तज़ा सुमरो ऐं शफ़ीक पिताफ़ी खे रिश्वत वठण जे इल्ज़ाम में मुअतल करे लाइन हाज़िर थियण जो हुकुम ॾिनो आहे। हिकु ॾींहुं अॻु ॾहरकी थाणे ते पुलिस नौजवान अहसान शर खे गिरफ़्तार करे 10,000 रुपया रिश्वत वठी खेसि आज़ादु कयो हो। रिश्वत वठण जे ID लीक थियण खां पोइ SSP मामले जो नोटिस वठंदे 3 अहलकारनि खे मुअतल करे SSP मीरपुर माथेलो जहानदाद अकरम खे इंक्वायरी आफ़िसर मुक़ररु करे मामले जी जांच करण जो हुकुम ॾिनो आहे। सांगर वेझो मंगली थाणे जी हद में मसीही बिरादरी जे माण्हुनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं चनंबर 36 में मसीही हारियुनि जे घरनि ते हथियारबंदनि पारां चढ़ाई करे हमिलो कयो वियो हो, जंहिं ख़िलाफ़ अॼु हुननि प्रेस क्लब वारो एहतजाज कयो आहे। एहतजाज कंदड़ जो चवणु आहे त हथियारबंदनि बिना जवाब असांजे घरनि ते चढ़ाई करे 2 औरतुनि समेत 3 ॼणनि ते तशदुद करे खेनि ज़ख़्मी कयो आहे। हुननि इल्ज़ाम मणींदे चयो आहे त हिन वक़्त ताईं पुलिस का बि कार्रवाई न कई आहे। हुननि बस वारनि खां घुर कंदे चयो आहे त जवाबदारनि ख़िलाफ़
कार्रवाई करे इंसाफ फराहम कर भी सूरत में एहतजाज जो दायरो बधाया वेंदो। जिक्र कंदासे थरड़ी मोहब्बत में जिथे वधंदड़ बदमनी ते जाब्तो न अची सको है। राइस केनाल भरसा अणजातल तीन फोरन हथियारों के जोर से साजिद अली चन्ना का एक मोटरसाइकिल ब मोबाइल फोन ए रोक रकम फुर कर फरार थी वह। पुलिस मूजिब वाक़े की जांच जारी है जो तो इन वक्त ताई का भी गिरफ्तारी अमल में न अची सकी है। बे पास सिंध असेंबली के इजलास दौरान हुकूमती मुखालिफ धुर के मेंबर में मुहमारी थी वही। हलीम आदिल शेख और शर्जील इनाम मेमन एक बे इल्जाम हया। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के खिताब दौरान मुखालिफ धुर एहतजाज कर ऐवान में गोड़ कर मुकेश कुमार चावला चाहिए तो जैसे केर तनकीद निशानों बढ़ाई तो उन जवाब में कें भी तारीफ न कंदा। उन जड़ी बोली गाला तेड़ी बोली में खेन जवाब दिनों वो। कराची में ड्यूटी दौरान टिकटॉक वीडियो ठाए सोशल मीडिया से अपलोड कदे टिन औरत पुलिस एहलकार मुअतल किया वो है। टिन औरत पुलिस एहलकार ड्यूटी दौरान वर्दी में टिकटॉक वीडियो ठाए सोशल मीडिया से अपलोड कई जैसे एसएसपी सदर मामले जो नोटिस वे टिन औरत एहलकार मुअतल कर छो। मौत में तूबा अली जहरा मजहर ताबिंदा हफीज शामिल। हाँ जिक्र कंदे कोरोना वायरस हवाले से सिंध में कोरोना वायरस टे जान जया कर छोड़ फोतन जो गरियल तादाद 4,353 थी है। वर वजीर सईद मुराद अली शाह कोरोना बाबत अंग अखर जारी कर छाया। जारी कल बयान में बुधा है गुजरियल 24 कलाक दौरान 7,315 मान जो नमूना वरता जिनमें 146 मान के कोरोना की तस्दीक थी है। वर वजीर मूजिब 24 कलाक दौरान 350 मरीज सेहतियाब थी घर रवाना थी वन। जारी कल बयान में मुताबिक इन वक्त कोरोना के 11,844 मरीजों को इलाज हलंदड़ है जिनमें 315 की हालत गणती जोगी है जिनो ताल्लुक कराची से है। जैसे ठट्ठो में 12 हैदराबाद में 9 मटियारी में 8 दादू में 7 सिजावल में 6 नवा केस जाहिर थे। टंडोवाला यार में 5 मीरपुर खास में 4 घोटकी लाड़कारू नौशेरो फिरोज उमरकोट जैकबाबाद में 3 केस रिपोर्ट थे। जामशोरो खेरपुर कंबर में 2 केस जैसे बदीन शहीद बेनजीराबाद में कोरोना जो 1 केस जाहिर थो है। नवाबशाह भरसा ट्रैक्टर ट्राली ए चिंची रक्षा विच में जोरदार टक्कर थी पो है जैसे नतीजे में 1 जणो फोत थी पो है जैसे 5 जणा जख्मी थी। सांगड़ रोड से वाटर सावट हादसे में गोठ मीहा खान रिंदवासी पोरत मुर्तदा विरोही तदे ते ही फोत थी पो है। जैसे हादसे में गुलाम अब्बास रिंद जावेद विरोही बासित विरोही शाहनवाज गुल पसंद विरोही जख्मी थी पाया। हादसे में फोत थियल पोरत जो मढ़ जख्मियों के नवाबशाह की पीएमयू अस्पताल आंदो वो जिते कानूनी कार्रवाई का लाश वारसन हवाले किया वो। जख्मी मूजिब हु मजदूरी का चिंची रक्षा से गोठ अची रहा हुआ। सांगड़ रोड से वाटर स्टाप वट ट्रैक्टर ट्राली से जोरदार टक्कर थी पो। फोती पोरे जो लाश घर पहुंचने से वारसन में कोहराम मची पो। खबर है कंबर में जिथे कंबर के सिटी थाने के रोशनदान टोड़े मंशियात केस में गिरफ्तार जवाबदार फरार थी पो है। 4 ढी अग पुलिस जवाबदार रफीक शर के मंशियात के इल्जाम हेठ गिरफ्तार कर लाकअप में बंद किया हो। जवाबदार वज वी लाकअप रोशनदान के टोड़े उन फरार थी पो है। जवाबदार के फरार थे जो एसएसपी कंबर समीर नूरचन्ना नोटिस वे फर्ज में लापरवाही कद टिन एहलकार हारून मुगेरी अब्दुल वाहिद बुरडो आसिफ मलिक के गिरफ्तार कराए लाकअप में बंद करा छो है। जैसे थाने में फरार थन्द जवाबदार की बीहर गिरफ्तारी के लिए डीएसपी कंबर की अगवाणी में टीम जोड़ी वही है। पुलिस मूजिब फरार थन्द जवाबदार जो तालुक शिकारपुर जिले के गढ़ी यासीन से है जैसी गिरफ्तारी के लिए छापा हया पा वन। खिपरो में घरू मामले तक नौजवान जहरीली दवा पी कर आबगात कर छो है। खिपरो के सोनारा बाजार वासी 35 वर के कुर्बान अली शाह जीत मार दवा पी छी। नौजवान की गणती जोगी हालत में हैदराबाद न्यू पे पो तो रस्ते में दम डे छो। मर्द जरूरी कार्रवाई का वारसन हवाले किया वो खुदा लाश घर पहुंचने से वारसन में कोहराम मची है। नाजरीन बहार की मौसम ईंदे ही हर पास अखियन के वणंदड़ रूह के राहत डींदड़ रंग बिरंगी गुल निखरी पायान महकदड़ गुलन की खुशबू से माहौल पिण महकी पो है। उन हवाले से तफसील दिसूँ था टंडो जाम खां मोहम्मद खान जमाली की रिपोर्ट। वरी का मोती बहार इंदी अंगण असाजे गुलाब चिरंदा। वरी का मोती बहार इंदी अंगण असाजे गुलाब चिरंदा।
सियारे की मुंद उतर जो थदड़ी हवाओं पंजे जोबन के आखिरी मरहल में गुजरंदे बहार के मौसम के भलीकार चई रही है। बहार की मौसम जिनकी खुशियन प्यार मोहब्बत ए सुकून की अलामत समझो वो है पंजे जोबन जहा जोहर दिखाने शुरू कर छाया। बहार की मौसम इंदे ही हजारे किस्म जहा गुल जिमें गुलाब राबेल मोतियो चंबेली रात की रानी सदाबार ए बेन हजारे किस्म के गुलन की खुशबू ए सूह सा माहौल महकी वो है। बार में तां हर शे लगाए था सको जो सो बुगन बेला वो इंजर लगे पई गुलाब लगे पियो जो सो यूफोरिया भी लगे पियो जो दाड़ू जहा कलम वे भी लगन पा इंजर हर शे फुटाड़े ते आए तकरीबन यूफोरिया है बुगन बेला है टाली है गुलाब है मोतियो है चंबेली है ये शौक का मानो खणदा वणन में जो सो सुख चैन है वो इंजर मानो घना पा खन उन थदी छा है गुलन जो है फुटाड़े जो मौसम है इंजर मन सुठी हिकड़ी मौसम है बाहर जी उनमें इंजर हर शे पांजो फुटाड़े जो भी वण गुलाब सब पांजो इंजर माशाल्लाह सही दा फुटाड़ गुल मोतियो है गेंडो है ट्यूबरेस है सदाबहार गुल है गुल इलाही किस्म ने माशाल्लाह पर इंजर बाहर जे हिसाब सा सही है। गुल सूं ए खुशबू सा गद कुदरत जो शाहकार पेण है। बाहर जी मौसम जो जिक्र केतरा ने शायरन पंजी शायरी में पेण कयो है। कैमरामैन हदीबेश खास के लिए संगत मोहम्मद खान जमाली धरती टीवी न्यूज टंडो जाम धरती असा जो सही को हकीकतन ता नकाब हटन नजरिन वाही पांधी समेत काचे के मुख्तलिफ़ इलाकन में चौपाए माल में बीमारी से जबतो न अची सको है जैसे करे मालवंत मानू सख्त परेशान में मुब्तला थी वह उन हवाले से तफसील था हफीज जमाली जी की रिपोर्ट। जी नाजरीन इन वक्त असी मालपीड़ी वाई पांधी में मौजूद आयु ताज़ो ही जो काछे जे माल आन उन में वबाई बीमारी पखड़ी वो है इतना के मालवंद मानन जो वो नुकसान थो है अचो त इन सजे सूरत हाल बाबत इतना के जे मालवंद उन गाल बोल क्यों असाये काछे एरिए में मालन में ढो मोड़ो आढ़ी बीमारी आढ़ा माल जया थी चुका हि जिका गुजरल ब हफ्ता अग में हि जिका बीमारी माल में आई है कुकड़ियों छेला बकरियों उठ ऐ चौपायो माल आ जो इतने रोज मरे पो थो नोटिस जिका है केर भी नो वे हजार में पूरी कुछ भी कोने बाबा बीमारी तमाम घड़ो है माल में तमाम जी वट वो था वो चे तो वाह सड़ो ही दवा है अचन ही को डॉक्टर किथे आया जद अचन था बस बारे हल था वजन ढो वाल में बीमारी है डॉक्टर काफी अचन था पर को मन सलट को डॉक्टर जो काफी माल मरन था अस डॉक्टर को भी फायदो ना दिनो अस माल में बीमारी बिल्कुल बहुत काछे वाई पांधी में जी संदन माल वारा वेचारा है उनके नुकसान बिल्कुल घणो थो असा वट केर को अचे हाँ क्यों इन में जब वेठा काछे में वेठा अस केर अचे तो न करे तो माल से रेडो मालदा है बकरी मालदा है अस उठ डगी भी आने उठ भी आने माल घो अस तवे अपील क्यों था माल के मोड़ा अदा के चवड़ो मोड़ा को अलह थियान दवा जहाँ इतने मिलन था असर ही को गरीब गुरब वसील अड़ा दवा आन ही को माल के मोड़ा आन वी वन माल के लिए को हिसाब किताब को दवा को छाछू यो मेहरबानी करे मोकलन ते माल मानून जो तबाह थी वन इनन जो चवणा है त वेटनरी खाते के घुर्जे त काछे जे मुख्तलिफ गोठन में डॉक्टरन जो टीमू मोकले ए मालवंद मानन के दवाओं फराम कियो वनन त जिए मालवंद मानू वधिक नुकसान खां बची सकन। कैमरामैन सत्तार जमाली सागर हफीज जमाली धरती टीवी वाईपान। नाजरीन गंबट में पुणे एमपीए पीपी अगवाण सैयद गुलशाह जीलानी जी सती बरसी के मौके ते यादगार कामेटी पारा तकरीब कोठाई वही जैमें सियासी समाजी सहाफी अगवाणन समेत मुख्तलिफ मकतब फिक्र के मानन शिरकत कर खेस खूबसूरत लफ्जन की भेटा पेश कई है। तफसील मुमताज मेमण की रिपोर्ट में बिल्कुल नाजरीन असा गंबर के कम्युनिटी सेंटर में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के वेझे साथी अगूणे पीपी एमपीए सैयद गुलशाह जिलानी जी का सती वासी तकरीब है वह जिसे मुनद कई वही है इतने मौजूद जो आयल अगवाणा उन्होंने ऐसी उन्होंने पुछासी तो पीर सैयद गुलशाह की शरीयत हुई वह कि सही पीर होंदे फकीर हो अखलाकियात की का हद कान ही सियासतदान होंदे भी सियासतदान न हो आम मानू हो खलके खुदा के कम अचारो हो कदें भी उन्हें पांजे लाए कुछ भी न वरतो उन जे कदें कुछ वरतो त गरीबन जे लाए वरतो मुझे वालिद साहब चार दफा एमपी थिया
1970 का वी 1996 तीन एमपी आ 11 साल ज्याल लोक के दौर में तमाम घनी मुश्किल के मुंह दिनों कदें भी उन हार पाई तस्लीम न कई चवान उन संदस फर्जंद आया पर हमेशा याद है बाबा साई के सिर्फ ये ही वॉज हैप्पी पर्सन हमेशा खुश रहने वो तवकली बेफिक्रो इन कुछ चई भी नो मुझा दा सही बेशक एक अजीम इंसान होया उन भेटा पेश कर नंढो लफ्ज आ अल्लाह सही उन जन्नत में चाहे दी उन्होंने खिदमत उन कावश अज भी अलहमदुल्ला मशहूर है हर नजर के खबर है फकीर सिफत इंसान हो कदें भी उन वडाई तकबर हठ न हो हमेशा गरीब से मोहब्बत कदड़ इंसान बिल्कुल शाह हमेशा गरीबन की खिदमत कई अविलत दिखो से जो जैसा नजर मिलाए उन्हें नजर परे न की बस साईं जी शख्सियत ही जैसा मोहब्बत एकड़ो घुमरो नजर मिलाए जीव की उन्हें जीव कंदो ही रहो पीर गुलशाह साईं जी सती वर्षी आ तमाम पीर साईं फकीर मानू हो भोटे साहब साईं वेझो साथी हो केतरा भरे एमपीए रहो शहर की खिदमत कई वो खाल न तो भर सके पीर गुलशाह तमाम फकीर मानू नाजरीन निंदो भरसा ओलिया राजसीन सुमराणी खां कारो अली बहरवा ताई 3 किलोमीटर मुफासिले वो रोड टुटल होने के करे अवाम के लिए आजार जो सबब बनल है जबून हाल रोड की मरम्मत न थियण खिलाफ रोड एक्शन कमेटी पारा प्यादल मार्च करे हुकूमत जिला खां रोड ठहराण जो मुतालबो कयो है उन बाबत पेश आए परवेज बुलेदी जी की रिपोर्ट राची सुमराणी कारो अली बहरवा का 3 किलोमीटर रोड के तमीर न थियण खिलाफ रोड एक्शन कमेटी तरफा दरगाह ओलिया राची का शाना चौक निधो ताई पैदल लॉन्ग मार्च कर धरणो हणी वेही रहा उन्हीं मौके से रोड एक्शन कमेटी जगवान धरती न्यूज से गलाइंदे नंढड़ो एहतजाज है पूरा मन एहतजाज किया हक वठण के लिए जैकॾहिं असांजो हक़ असां खे रोड जो हक़ न मिलियो त हीउ एहतजाज नंढड़ो न बल्कि वॾो सम्झो वञे महिरबानी करे असांजो ही रोड जेको आहे अॻे सेक्शन थियल आहे ओलिया रायसी जो ऐं एम पी एम एन ए वारनि खे अर्ज़ु थो कयां त महिरबानी करे ख़ुदा हीउ रोड जल्द खां जल्द असांखे सेक्शन कराए ॾिनो वञे जो पुराणो मुतालबो आहे कंहिं वक़्त खां वठी पियो अचे महिरबानी करे असांखे रोड ॾिनो वञे जो असांखे मरण जीअण जो सॼो ॾींहुं असांजो कस आहे असांखे अचणु वञणु सवलाई थी पवे अज ही असो जो प्यादल लॉन्ग मार्च 8 किलोमीटर मुसलसल इन गर्मी में पंध करे जो उतं का आयो है इन्हीं मुतालबे लाए तो दरगाह ओलिया राशी जो 3 किलोमीटर रोड है उनको टेंडर करे उनके पको कर दिनों वे इन सतन गोठन के रिवासियों के ढी तकलीफ है बीमार को मानू थे तो बरसात के टाइम उनके अस्पताल तक पहचान में वही तकलीफ थे थी असो जायज मुतालबो है सिर्फ 3 किलोमीटर रोड जो जो डो बागोट निंदो रोड का दरगाह ओलिया राची जो मुसलसल जो बरसात में इलाही काफ़ी कशाला कटना पवन था जैसे तो कच्चो रोड है अस अर्ज कंदी वजीर अला सिंध के असाजे इतना के एम पी ए हसनैन मिर्जा के जायज मुतालबो है जो हल किया वे उन्होंने चिताव दिनों है मस्कुरा रोड से 100 का गोठ आबाद है जैमें हजारे रहवासी रहन था पक् रोड न होने कर बीमारी बरसात समेत इमरजेंसी की सूरत में सख्त तकलीफन के मुंह दियण पवे तो उन्होंने चिताव दिनों है जैसे असो जायज मुतालबो न मनो हो तो हाउस टाइम धरणो हणंदी कैमरामैन अजहर बुलेदी सागर परवेज हुसैन बुलेदी धरती टीवी न्यूज निंदू नाजरीन सजे मुल्क जिया लालू रैंक वासी भी महंगाई सबब सख्त परेशानी के मुंह दियण मजबूर बनल अटे सब्जी समेत आम भापे वाले शन जहा अघ चोट चढ़ल होने के करे गरीब मानू बबेला मानी के लिए भी सख्त परेशानी जो शिकार है तफसील राणू खान मुगेरी की रिपोर्ट में लालू रैंक में समूरे सजे पाकिस्तान के कुंड कुड़छ हर नंढे वे शहर में महंगाई तमाम चोट चढ़ल है जैं सबब गरीब तबको जो बिन वेले के मानी ला भी परेशान है इन हवाले से इतना के मानू से गाल बोल क्यों तो ही पे चवन बटालू महंगो टमाटो महंगो के बारी आ चंदा वाले नारा जो 10-20 रुपये किलो दन था बाकी महंगाई आ खंड केतो किलो मजदूरी क्यों क्यों काडा जी पूरी करे काडा जी कयूं बचण दा मो जऊ मजदूर मिले थे 500 रुपया मजदूरी मिले थी गुजर सफर केलो थे 100 रुपया ऑटो लगो पियो हर सोजी भी वंदा मांगी कंदा पजाड़ी ओ कन चावर काथे पचाया थन अटो काथे पचाया थन गरीब छा खाए छा पिए कादे वने हुकूमत कुछ करणो पवे तो घट कर हिसाब से को मिस्कीन भी हले चले तो सही ना तो मांगो क्यों मांगो मन हर शय मांगी बस अल्लाह दे तो बाकी हाल पूरो सफर
हुकूमत खपे तो मन करे न खंड गेहू सस्तो करे तेल सस्तो करे तो को चाड़ो थे न महंगाई मां समझा तो इन वक्त इन जगह ते पोती आए जो गरीब मानू बवेल मानी खाने जलाए परेशान आए गेहू जो आए 260 रुपया किलो अटो 70 का 75 रुपया किलो थी आए अड़ी तरह से जो मानू डी में मजदूरी करे 500 रुपया कमाए तो मां समझा तो उन घर जो कारोबार हलायण इंतहाई मुश्किल है महंगो थी खंड महंगी थी गिह महंगो थी गरीब तबको वे काडे मजबूरी अगो हर को पांजो हाने चे तो हाने घासलेट मथों हारे साण दा चाहन हाने काडे वे गरीब तबको जी नादरीन जी ते तमा हते शहर वासन जो गालियों बुदी उन जत गुरबत सबब तमाम असा परेशान लगा पयो मानु खुदकशी करन ते मजबूर थी वेन इन हुकूमत का मानु तमाम सख्त बेजार थी चुका ने इनन ने या गुजारिश किया घोर किया ते जेके भी हुकूमत में रंदन उनन के गरीबन जे हालत रहम करम करन खपे ए हर छ सस्ती कर ते जे गरीब मानु के रिलीफ मिली सके कैमरामैन फैसल बलोचा गद रानो खान मुगेरी धरती टीवी लालू रैंक नाज़रीन जैकबाबाद में बेरहमी से कत्ल कल नौजवान महेश कुमार जहा कतल अना कानून के पकड़ में न अची सकन जतोड़ मकतूल के वारसन SSP जैकबाबाद पारा करायल जांच से एतमाद जो इजहार किया है उन हवाले से तफसील था हजूर बख्श मुगेरी जी खिन रिपोर्ट में पंचायती हाल में चार ढी अग बेदर्दी से कतल थे महेश कुमार जे अज जो चौथों ढी रसम हों पगड़ी पगड़ी वो रसम अदा कर पे वे हिंदू पंचायत जे मौज शख्स मौजूद उन्होंने भी गाल कहे को यो ही पुछा कहे पुलिस जो इन में किरदार पुलिस केतरे हद तीन पौतो उन बारे में खबर पी लाश मिली जुमेरात सुबह जो सुण में न पी अचे कल केस दाखिल थे वाले साहब केस दाखिल करा हुआ पुलिस पूरा तावन करे पी उन हाँ SP साहब पा आया हुआ पंचायती हाल में असा यही सोचो से अज बचवे दी गुजरी आन काई भी माना जो का प्रोग्रेस ना है असा पांजो राय अमल तैयार करे असा इते भरपूर एहतजाज भी कंदासे शहर भी बंद कंदासे मान फुल आए 80% केस हैंडल थी वियो आ 20% शाम ताई थी वेंदो SP साहब रात खोट लगो 12 ताई वियासे वियो सजी रात चई मां लगो पियो सुबह जो 9 बजे ताई 9 सुम्यो आ हाने SP साहब पा आयो हो शाम ताई जब मां ताई सजो हैंडल करे दिंदो सब को पहरियो तो जको हे इंसानियत जो पूरो जको बेदर्दी सा जको कत्ल थियो है उनकी मां मजम्मत कया तो पयो पूरे लफ्जन में हे एक इंसान जो कत्ल ना है हे पूरी इंसानियत जो कत्ल है इंतजामिया वही उम्मीद है तो उ इंशाला इन जो वाकई की पूरी हकीकत तरीके से पा जे भी कतिल उनके कैफरे किरदार तीन पुजाने में SP साहब जो अस बिल्कुल आखिरी हद तीन वेंदे जुलम ज्याती थी वही पर अस पुलिस SP साहब घो तवान कर रो इंतजाम कर रही है उम्मीद तो है अस में घनी तो असो कुछ न कुछ खड़ते निकल दो अगर बिल्कुल कम कर रहे हैं अस तसली भी है उम्मीद भी है तो पुलिस कम कंदी है इतने जो मौजूद महेश कुमार जो वालिद हो उनको बाद में जे हिंदू पैचा जा जे दोस्त हुआ उन्होंने से गाल बोल कई से जो यो चवण है असा के SSP साहब जो माखे सिर्फ अजो को डी छो सुभाने ताणी जो इंशाल्लाह जे कातिल वो गिरफ्तार करे तुहां के जाहिर करे दिनु कैमरामैन शकील बलोच सा गड हजूर भाई मुगरी धरती टीवी न्यूज़ जकबाबाद इन रिपोर्ट से इन वक्त जो बुलेटिन पानी पुजानी से पुतो खबरें अपडेट ला विजिट कर असानी वेबसाइट धरती TV.TV दिसंदा रखो धरती न्यूज। प्यार, नफरत, मिलन, जुदाई, दर्द, तकलीफ, आई खुशी समेत केतरन ही जज्बन जो इजहार मुख्तलिफ तरीकन सा कयो वेंदो आहे जिते जुबान साथ न दे आई अखियन जी इल्तिजा के केर न समझे उते मौसी की पंजे जज्बन जे इजहार वाहिद जरियो आहे रात जे पहर में जले तहां जे दिल जा अरमान आई सूर जागन था तो मौसी की मरहम जो कम करे थी एक नव प्रोग्राम जे में तहां पांजी पसंद जी गानन जी फरमाइश सा गडोगर पांजे गम पांजे प्यार आई पांजी जिंदगी जी कहानी असा सा पांजे जज्बन के शेयर करे सको था मौसी की जो जबरदस्त प्रोग्राम जे में आए जिंदगी जा समूरा रंग आई उहे बा खूबसूरत अंदाज में